हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 12 तारीख है, 10वां महीना 2022, 9:26 हो रहे हैं इस वक्त रात के, और हम अपना डेली एनालिसिस का सेशन करने जा रहे हैं। अच्छा, हमारी दो ट्रेड जो है वो ज़बरदस्त गई थी। आज बुध का दिन है और वीकली एनालिसिस के बाद जो हमने पीर को एनालिसिस किया था, उसके बाद हमारी दो ट्रेड हमारे बिल्कुल अकॉर्डिंग गई थी। एक यूरो यूएसडी की, ठीक है, ये वाली ट्रेड ये मैंने पर्सनली ली थी और आपके साथ शेयर भी की थी। ठीक है, मैं मैनुअली कट हो गया था यहाँ पर इस कैंडल के क्लोज होने के बाद, और आप लोगों ने भी अच्छा प्रॉफिट निकाला होगा इसके अंदर। और दूसरी जो हमारी ट्रेड थी वो थी गोल्ड की, जो मैं पर्सनली नहीं ले सका था। बहरहाल काफ़ी लोगों ने ये ट्रेड ली थी, ठीक है, ये ट्रेड थी, ये भी अच्छी गई थी हमारी। अभी दोबारा मार्केट यहाँ खड़ी है, यूरो यूएसडी में भी मार्केट इसी जगह पर खड़ी हुई है। ठीक है, तो इसको तो हम कल देखेंगे इंशाल्लाह, कल के अपने जो बुलेटिन है हमारा डेली एनालिसिस का, उसमें देखेंगे, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं हमारे बाकी पेयर्स की तरफ। तो ये वाला जो एरिया हमने मार्क किया था, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का, ये हमारा सक्सेसफुल ही रहा था। मार्केट ने इसको अच्छा खासा पम्प दिया, उसके बाद ये रिमूव, क्योंकि हमने इसको दोबारा एनालाइज किया ही नहीं। एक हफ्ते बाद हम खोल रहे हैं, इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आज इसके अंदर क्या है वो देख लेते हैं। डेली में जाते हैं, मार्केट जो है अब ट्रेंड में, मेजर एरिया देख लेते हैं। मार्केट, ठीक है, अभी मार्केट यहाँ पर है। मैंने आपसे, आपको लास्ट टाइम याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि मार्केट फर्स्ट इस एरिया तक ज़रूर आएगी। ठीक है, अभी हमारे पास मजीद बाय का रूम मौजूद है, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो एरिया है वो है ये वाला। ठीक है, तो ये जो रूम है हमारे पास अभी भी अवेलेबल है बाय के लिए। तो हम H4 में जाते हैं, स्पीड को क्या हो गया, चल गई। ठीक है, H4 में आ गए। H4 में हमें क्या एरिया दिख रहा है बाय के लिए, ये तो हमें कंफर्म हो गया कि बाय करना है हमने, हमारे पास ये एरिया है H1 में आते हैं। H1 में भी हमारे पास ये वाला एरिया है। ठीक है, ये हमारे पास लिक्विडिटी है सपोर्ट के अंदर। ठीक है, और स्ट्रक्चर हम देखें तो मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है। हमारे पास FTR भी मौजूद है। ठीक है, तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एरिया, बहुत अच्छा एरिया है। ठीक है, बहुत अच्छा एरिया, तो इसको हम बाय के लिए कंसीडर करेंगे। हमारे पास रूम अवेलेबल है, यहीं से नीचे आता है, अच्छी बात है, अदरवाइज जब भी आएगा हम इसको जब कंसीडर करेंगे। अच्छा जी, ब्रिटिश पाउंड न्यूजीलैंड डॉलर, ये अभी तक रेंज के अंदर ही है, लेकिन इसकी एक चीज़ ये हमें खतरे की घंटी में थोड़ी डाल रही है, वो ये है कि मार्केट हाई ब्रेक नहीं कर रही। ठीक है, मार्केट ये क्या कर रही है, मार्केट लो बनाया मार्केट ने, देन हाई बनाया, फिर मार्केट ने लोअर हाई बनाया, ये देखें, सॉरी हायर लो बनाया, ये वाला हायर हाई एंड हायर लो, इस ना इस लो को ब्रेक किया मार्केट ने, ना ही इस हाई को ब्रेक किया मार्केट ने। तो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या लगता है, ठीक है, ठीक है, भाई आ गए थे मेरे। ठीक है, तो हमारे पास ये एरिया है,
लेकिन नहीं, इसको हम रिमूव ही करते हैं। एच फोर तो सपोर्टेड नहीं है ये एरिया, और मार्केट चूंकि यहाँ पर भी मार्केट ने लिक्विडिटी जनरेट की हुई है, ठीक है, इसको आई थिंक सिमेट्रिकल ट्रेंगल कहते हैं, सिस्टमेटिकल या सिमेट्रिकल ट्रेंगल इसको कहते हैं, कि जब मार्केट क्या कहते हैं सुकलना होता ना इस तरीके का, ये वाला, ना मार्केट लो ब्रेक कर रही होती है ना मार्केट हाई ब्रेक कर रही होती है, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है लिक्विडिटी ट्रेडर्स के लिए। यहाँ पे भी सीन यही है, मार्केट ना हाई ब्रेक कर रही ना मार्केट लो ब्रेक कर रही है, ठीक है, तो चांसेस यही है दादा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पर आई थिंक हम कुछ भी हमें नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, सप्लाई कोई ढंग की है नहीं, इस डिमांड के साथ ही हम जाएंगे, ठीक है, इस डिमांड के साथ ही हम इंशाल्लाह जाएंगे। तो कैट सीएचएफ में भी तकरीबन यही सूरत हाल है, ये एरिया हमने मार्क किया था, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, एज एन एमपीएल, ठीक है, मार्केट फिलहाल यहाँ तक भी नहीं आई है, और ये लिक्विडिटी मार्केट ने जनरेट की है, लेकिन ऊपर की तरफ जो है लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो इस सप्लाई के साथ में जाऊँगा, ठीक है, मार्केट ने इस जगह काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट की हुई है। ठीक है, तो क्या हमारी ऊपर की तरफ लिक्विडिटी है, तो जो हमें बता रही है कि मार्केट ऊपर की तरफ आ सकती है, ये सप्लाई एरिया हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और यहीं से हम सेल आउट का सोचेंगे। फिलहाल नीचे की तरफ भी लिक्विडिटी है, तो ये पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया हमारा बाय के तौर पर हम देख सकते हैं, लेकिन रिस्की है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे ही आई जा रही है जब से, ठीक है, कैनेडियन डॉलर एंड जेपीवाई, ये हमने कितने टाइम पहले मार्क किया था, मार्केट जब से आई थिंक इसको डेढ़ हफ्ता हो गया या फिर हफ्ता ही हुआ है, मार्केट जब से सिर्फ रेंज के अंदर, ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पर रेंज थोड़ी बहुत ब्रेक की है, पॉसिबल एरिया अगर मैं जाऊँ बाइंग के लिए ये होगा, लेकिन क्योंकि अभी भी ये रेंज के अंदर है और नीचे की तरफ भी लिक्विडिटी है, तो ये नीचे भी ब्रेक कर सकता है इसके, इस जगह पर आप ज़रा ध्यान रखिएगा, मैं सप्लाई के साथ ही जाऊंगा, वेट करूंगा, यहाँ का यहाँ तक नहीं आती मार्केट तो यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि इसका इम्बेलेंस यहाँ पर भी ख़त्म हो रहा है, तो आपको यहाँ पर भी मूवमेंट दिखने को मिल सकती है, एरिया रिमूव मत कीजिएगा, ठीक है, यहाँ आपको मूवमेंट दिखने लगेगी, क्योंकि ये इम्बेलेंस यहाँ पे भी इसका ख़त्म हो रहा है, अगर इसको हम एच फोर की कैंडल लेंगे तो इसका इम्बेलेंस यहाँ ख़त्म है, एच वन में इसका इम्बेलेंस यहाँ पर ख़त्म है, ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा रूम अवेलेबल है। यूएसडी सीएचएफ, जैसा कि आपको बताया था कि सारे पैर जब नीचे जा रहे हों ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो इसका पॉसिबल बाइंग एरिया अगर हम पकड़े हैं, तो हमने लास्ट टाइम भी नहीं मार्क किया था क्योंकि मार्केट ने कोई एरिया लीव ही नहीं किया था, ये एरिया था, ये अभी तक मार्केट यहाँ नहीं आई, इसलिए मैंने मार्क नहीं किया था। एच फोर में देखें अगर हमें कोई कॉम्पिटेंट एरिया दिख जाए, यस ये वाला एरिया ज़रूर है, लेकिन दूर है, ज़रूर है लेकिन दूर है, ठीक है। एच वन में देखें तो यही एरिया दिखता है, लेकिन थोड़ा सा टेस्टेड है इन कैंडल्स है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा इसका। बहुत बकवास पेयर है, पता नहीं मैं इसको करता भी क्यों, हाँ नहीं कुछ लोग करते हैं इसलिए मैं इसको एनालाइज करता हूँ, तो ये एरिया फिलहाल मेरी तरफ से यही एरिया है इसका,
अब मार्केट अप ही जा रही है इसकी। अच्छा जी, यूरो सीएचएफ में, यूरो सीएचएफ हमने लास्ट टाइम ये एरिया मार्क किया था, मार्केट अभी भी फिलहाल नीचे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता, ये अच्छा होता है जब भी मार्केट इस तरह नीचे आती है तो ये काफ़ी अच्छा साइन होता है कि एरिया हमारा चल जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से नीचे आती रहेगी तो यकीनन हम इसको यहाँ पर बाय का सोच सकते हैं। अगर इसको मज़ीद यहाँ पर हम ये लगा दें तो ये मज़ीद थोड़ा सा हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो अच्छा हो जाएगा। बाकी सेल साइड पे हमारा जो है वो यही एरिया रहेगा, अभी तक मार्केट यहाँ नहीं आई है। सॉरी मेरा गला ज़रा ख़राब हो रहा है, इसलिए कल भी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने आज तो अपडेट में दे ही दूं। ठीक है, तो ये हमारा आज का रहा सेशन, ये बाय एरिया है, ये सेल एरिया, तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। ठीक है, तो आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात। मैं अभी ज़रा वेबसाइट में एड वगैरह लगा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो गई ये वेबसाइट यहाँ पर एड्स के लिए, तो यहाँ भी एड बनाएंगे, एड लगाएंगे, बैलेंस भी बढ़ेगा इंशाल्लाह। अभी मैंने लगाई है और अप्रूव भी हो गई है, तो इसको भी चेकआउट करते रहिएगा। ये है वेबसाइट .nft, ये ठीक है। गूगल एडसेंस अभी अप्रूव नहीं हुई है, बाकी मैंने एड्स लगाए हुए हैं, क्रिप्टो के एड हैं दूसरी वेबसाइट से, ये लगे हुए हैं, अप्रूव्ड हैं ये भी। अभी एडस्टेरा के भी अप्रूव हो चुके हैं, इसके भी लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा एक सेक्शन में बना रहा हूँ, ये सब मैंने लगाया हुआ है अलग से, इनकी जावास्क्रिप्ट, तो कुछ अलग कुछ बड़ा यहाँ पे करने का सोचा है मैंने। मैंने ये ली हुई थी अपनी डोमेन, ये मैंने वैसे सेल पे लगाई हुई है काफ़ी ज़्यादा प्राइस के अंदर, लेकिन मैंने सोचा जब तक बिकती नहीं है एक वेबसाइट बना ली जाए, अगर सही चलेगा तो यहाँ पर इंशाल्लाह अर्निंग तो खैर हो ही रही है इससे। बाकी यहाँ पे कुछ नया मैं लेके आ रहा हूँ कि आपको क्रिप्टो के हवाले से यहाँ पर कुछ ना कुछ अर्निंग के हवाले से कुछ यहाँ दिया जाए, क्या दिया जाए कैसे दिया जाए वो मैं अभी सोच रहा हूँ, मेरे को अभी समझ में आ नहीं रहा। ठीक है, कि जिस तरीके से आप आराम से बगैर इन्वेस्ट किए यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिप्टो के कॉइन के हवाले से आप USDT में या किसी और कॉइन में अर्न कर सकें इस वेबसाइट से। लेकिन मैं अभी बना रहा हूँ, कुछ लोगों से रबते में हूँ, फिलहाल मुझे कोई ऐसा ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, फंड मेरा अपना ही होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या तरीका कार क्या होना चाहिए वो मेरा समझ में आ नहीं रहा अभी फिलहाल, तो जब समझ में आ जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फिलहाल वेबसाइट पर मैंने ब्लॉग वगैरह में अपडेट करता रहता हूँ, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं आप लोग। बाकी यहाँ पे बहुत जल्द आपको एक सेक्शन मिलेगा अर्न मनी के नाम से, ठीक है, तो उसमें क्रिप्टो के हवाले से हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे। लिंक्स वगैरह का चक्कर नहीं होगा, कोई IP का चक्कर नहीं होगा, प्योर बस आपको शायद एड देखने पड़े या फिर कुछ टास्क आपको मिलेंगे वो करने पड़े, तो उसके थ्रू आपको जो मेरे पास USDT होंगे जो मैं रिजर्व पे रखूँगा उसमें से आपको खुद ब खुद कट के कुछ ना कुछ प्राइस मिलती रहेगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार इस तरीके से कुछ ना कुछ भला हो जाए, मेरा भी हो जाए और आप लोगों का भी हो जाए, तो लेकिन वो किस तरीके से होगा वो मैं अभी ज़रा कुछ बाहर के लोग हैं, कुछ यहीं के लोग हैं, उनसे रबते में हूँ, आप ये डिसाइड कर रहे हैं। फिलहाल ये गूगल एडसेंस मेरा अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद काफ़ी लोग हामी भी भरेंगे, असल में वो डेवलपर हैं तो वही इस हवाले से बेहतर जानते हैं। मैं इतना जितना जावास्क्रिप्ट के बारे में या लैंग्वेज के बारे में जानता हूँ वो मैंने कर लिया है, बाकी आइडिया जो है ना क्रिप्टो डेवलपर्स के पास ही होता है, ये ब्लॉकचेन डेवलपर होते हैं उनके पास ही होता है, तो मैं एक दो से रबते में हूँ, अभी वो देखते हैं
मुझे अगले हफ्ते या अगले महीने का उन्होंने टाइम दिया है कि कुछ वो स्कीम बताएंगे, कुछ तरीकाकार बताएंगे किस तरीके से बाइनेंस या फिर जो मेरा दूसरी बिट गेट है या बाकी एक्सचेंजेस है, इसके थ्रू मेरा अकाउंट से आपको अर्निंग मिलती रहे। ठीक है, वो कैसे होगी इंशाल्लाह देखते हैं। मिनिमम 2 या 5 डॉलर तो होनी चाहिए, ऐसी तो, वरना भी मुझे सेंड की एक बंदे ने ऑफर दी हुई है, यार आप मेरा भी अकाउंट भी मेरा लगा दो सेंड, और अपना क्या कहते हैं एड्स आप उस पर लगा देना, ये वाले, ये मुझे अप्रूवल मिली हुई है, तो वो कह रहा है कि यार ये वाले इस तरीके के एड्स जो है ना आप वो आप लगा दो, ये मुझे इसकी भी अप्रूवल मिल गई तो इसके भी ऑफर आने लग जाएंगे, लेकिन उसमें अर्निंग बहुत ज़्यादा कम है, टाइमिंग ज़्यादा, आप लोग क्वार हो जाएंगे यार, बोलेगा यार ये क्या काम करवा रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आप क्वालिटी टाइम यहाँ पर दें, और उसमें तकरीबन 2 से 5 डॉलर तो कम अज़ कम बनने चाहिए ना आप लोगों के, मेरे भी बन जाएँ और आप लोगों के फ़ायदा हो जाए, सेंट में मिलने का तो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और वही के वही आपको फॉसेट के अंदर एक वेबसाइट है, फॉसेट, फॉसेट पे है। ठीक है, इसके थ्रू आपको पेमेंट मिला करेगी, इसमें मैं मुकम्मल वीडियो बना दूंगा एक, उसमें हम इंशाल्लाह बात करेंगे इस हवाले से, तो आई होप दुआ कीजिएगा इस मकसद में कामयाब हूँ। अल्लाह हाफिज इंशाल्लाह आपसे, तो ये आप लोगों ने मार्क कर लिए होंगे, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।